सबसे पहले मैं अपने बालों में साइड मांग निकाल लूँगी इस तरह से। अब थोड़े से आगे वाले बालों को निकाल के मैं इन्हें क्लेचर की मदद से सेट कर लूँगी। अब मैं पीछे वाले बालों को लेके सिंपल साइड पोनी बनाऊँगी। अब ये साइड पोनी बनके तैयार हो गई है। अब मैं क्लेचर वाले बालों को खोल लूंगी और इन्हें कॉम से सेट करूंगी। मैं इन सभी बालों को एक तरफ एक साइड पे ले आऊंगी। बालों से आगे से दो लेयर को लेना है इस तरह से और उनको आपस में क्रॉस करना है। अब आगे वाले लेयर को लेके उसमें आप थोड़े से बाल ऐड करें इस तरह से और फिर इन बालों को पीछे की तरफ ले जाएं। अब आपने ऐसे ही करते जाना है। अब जो बचे हुए बाल हैं आप उनको क्रॉस कर लीजिए और उसके बाद आप इसे रबर बैंड से सेट कर लें। अब इसको पीछे की तरफ ले जाते हुए बॉबी पिन लगा के इसे सेट करें इस तरह से। अब इसको इस तरह से नीचे की तरफ ले जाते हुए पिन की मदद से सेट करते जाएं। अब साइड पोनी को लें और उसे दो भागों में बांटें इस तरह से। अब पहले की तरह एक लेयर को लेके आपस में क्रॉस करें और फिर रबर बैंड से सेट कर लें। अब इसको पोनी के नीचे से ले जाते हुए इस तरह से घुमाएं और फिर इसको पिन की मदद से सेट करते जाएं। अब इसी तरह से दूसरे वाले भाग पे भी करें। अब इसको भी पहले की तरह नीचे से घुमा के पिन की मदद से सेट कर लें। और अब ये साइड जुड़ा बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।